देश में फैली महामारी कोरोना बीमारी संकट के समय में देवीनगर में सार्वजनिक रसोई के माध्यम से देवीनगर में गरीब बेसहारा आने जाने वाले बाहर के ग्रामीण और जरूरतमंदों को भोजन लगभग 300 लोगों का प्रतिदिन कराया जाता है। सुबह शाम चाय नाश्ता भी कराया जा रहा है और नगर की हरिजन बस्ती आदिवासी बस्ती में भी कराया जा रहा है। महामारी कोरोना वायरस को लेकर शासन प्रशासन सहित आम नागरिक सभी अपने स्तर पर सहयोग कर रहे हैं और मंडल अध्यक्ष ललित गुप्ता के द्वारा सैनिटाइजर मास्क घर में बनवाकर लोगों को ग्रामीणों के लोगों को बाहर से बांटे जा रहे हैं, जिससे देवीनगर क्षेत्र की जनता कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए सक्षम रहे। साथ ही उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि वे शासन के निर्देशों का पालन करते हुए लॉकडाउन का भी गंभीरता से पालन करें और सोशल डिस्टेंस भी बनाए रखें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर न निकलें। व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं, उस पर अपन यहाँ पे जो हमारी टीम है पूरी वो लोगों को जाके बता रही है कि आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, एक दूसरे से 1-2 मीटर की दूरी बना के रखना है। अच्छा, और सैनिटाइजर और मास्क वगैरह भी आप लोगों के द्वारा? हमारी पूरी टीम लोगों को जाके जो भी हमारे पास व्यवस्थाएं हैं, जैसे अपन लोगों को सैनिटाइज करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं, बता रहे हैं, कुछ अपन ने बांटे भी हैं। कल माननीय सांसद जी ने करीब 500 मास्क भेजे थे, उनको ही बटवाया और ऑलरेडी हम लोगों ने खुद भी यहाँ पे मतलब खुद के मास्क बनवा के और यहाँ पे लोगों को पहले भी 1100 मास्क वितरित किए हैं, 500 मास्क कल अपन ने वितरित किए हैं। एक पूरे नगर के सभी गणमान्य नागरिकों द्वारा और पूरे नगर के ही द्वारा एक सार्वजनिक रसोई करके अपन चला रहे हैं, उस पर ये कार्यक्रम अपन ने जिस दिन से ये लॉकडाउन हुआ उसके दूसरे दिन से ही अपन यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। कितने लोगों की व्यवस्थाएं की? पहले क्वारंटाइन सेंटर में लगभग 95-90 ऐसे लोग थे और इसके बाद अपन हरिजन बस्ती है, आदिवासी बस्ती है, यहाँ पे और दोनों तीनों बस्तियों में अपन भोजन की व्यवस्था पर्याप्त कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग रुके हुए हैं आपके? 95 लोग रुके हुए? पहले 95 थे, आज